पाचोळा साफ करा. सर तुम्ही तिकडे बघा काय सापडतं काय. वडी पाणी घाल जल्दी. कोण आहे लडकी? नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी. क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ. 2019 के आंकड़ों की माने तो हमारे देश में हर रोज लगभग 79 मर्डर्स होते हैं. हाँ, रोज 79 मर्डर्स. इसका मतलब कम से कम 79 लोग हर रोज किसी की जान लेते हैं. पुलिस तीन बातों से केस सॉल्व करती है. क्राइम सीन से, सबूतों के बिना पर, लोगों के बयान से. पर कई बार कुछ ऐसे केसेस पुलिस के सामने आते हैं जिसमें ना एविडेंस, ना क्राइम सीन और ना ही कोई गवाह सही होता है. ऐसे केसेस में पुलिस और गुमराह हो जाती है और ये कई कारण से होता है. कई बार मर्डर रिपोर्ट ही देर से होता है जिससे एक क्राइम सीन मैनिपुलेट हो जाता है. कई बार लोग एक दूसरे को बचाने के लिए गलत बयान दे देते हैं. कई बार क्राइम इतनी चालाकी से किया जाता है कि पुलिस को कोई एविडेंस ही नहीं मिलता. हमारे आज के केस में ये तीनों बातें हुई, इसलिए हमारा आज का केस भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में आता है. राक्षस बन जाता है वो आदमी शराब पीने के बाद. भैया रोज मारता है और आज तो उसने सिया पर भी हाथ उठाया सिर्फ इसलिए कि वो मेरे साथ थी. भैया भाभी मैं उसके साथ नहीं रह सकती. मैं नहीं जाऊंगी वहां वापस. दीदी ये तो हर घर में होता है. इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आप अपना घर छोड़ के दूसरे के घर चले आइए. क्या हर घर में होता है? देखो कोई अपनी बीवी को इस तरह से मारता है क्या? अरे जवान बच्ची का भी लिहाज नहीं किया. इसका ब्याह किया था घर बसाने के लिए, मार खाने के लिए नहीं. तो कहीं नहीं जाएगी. तू यहां रहे आराम से मेरे पास. अर्जुन जी बाबा सामान ले और सामने कमरे में रख. मैं हेल्प कर देती. पहले से घर में काम कम था जो ये तीन लोग और बढ़ गए. अब इनकी भी चाकरी करो. मामी मैं कुछ हेल्प कर दूं? अब हम लोग हो गए हैं तो आपका भी काम बढ़ गया होगा ना? नहीं बेटा मैं कर लूंगी. और वैसे भी ननद की लड़की से काम नहीं करवाते. अरे सब्जी बाकी है, थोड़ी सी आलू छील दो ना. मैं करती हूँ. मैं करती. हाँ देखना बेटा कौन है. अरे आओ प्रवीण. आओ अंकल. आजा आजा आजा. अरे मधु ये प्रवीण है, वो अपने सुभाष तरडे साहब है ना, उन्हीं का बेटा. अच्छा. अरे हमारी जितनी खाद है सारी इन्हीं के पास जाती है. बाद में फोन करता हूँ. बहुत बड़े ठेकेदार है भाई, पूरा सतारा जानता है इनको. और मैं इसको और इसके हर कांड को जानता हूँ. नहीं नहीं मैं कोई कांड नहीं करता. दोनों बचपन के दोस्त हैं और मेरा आधे से ज्यादा काम ये दोनों ही करते हैं. अरे हाँ पापा, वो फर्टिलाइजर लोड करवाने थे, करवा दिया. हाँ बेटा जाओ जाओ जल्दी. शाबाश. चल रहा. अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो बच्चों? पहले नाश्ता कर लो, काम बाद में कर लेना. आओ. अरे आओ पहले नाश्ता. प्रवीण मैं तेरी आई से ना ये थाली पीठ बनाना सीखी हूँ, तो टेस्ट तो कर, देख कैसा हुआ है. सुनिए बोरी और एक और कार्टन रखवा दे, मैं हाथ धो के आता हूँ तब तक. ठीक है. जो फर्टिलाइजर के बॉक्स है ना उनको सही से रखो. इतना बे साले तेरे घर में तो खजाना ही खजाना है. हाँ मिल बांट के खाना, समझा ना. अबे जा बे तू. आसिफ आई मिस्ड यू. थैंक यू तुम पूरे से यहाँ तक आ गए मिलने मुझे. तेरे बिना मेरा भी बुरा हाल था.
वैसे पुणे वापस आने का कोई इरादा? नहीं, पता नहीं, इस बार माँ पापा का बहुत गंदा वाला झगड़ा हुआ और पापा ने मुझे भी मारा। मुझे नहीं लगता मम्मी इस बार जल्दी वापस आएंगी। मुझे बस पुणे आना है तुम्हारे पास, पर मैं मम्मी का साथ भी नहीं छोड़ सकती। ऐसे समझ सकता, मन तो करता है तेरे बाप को पीट दूं। तुझे हाथ लगाया देवड़ा। ये बता, यहाँ तो सब ठीक है ना? मामा और उनके बेटे अर्जुन तो ठीक है, पर मामी, मामी को पसंद नहीं आता कि हम यहाँ पर हैं। बोझ है हम उन पर। ये रख, और कुछ चाहिए तो बोल मेरे को, किसी बात की टेंशन मत लेना। हाँ आसिफ, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस पुणे आना तुम्हारे पास। अगर नहीं आएगी तो उठा के लेके जाऊंगा तुझे। पर आसिफ, बस प्रे करो कि मेरे माँ पापा की सुलह हो जाए जल्दी से। तेरा रोज रोज का नाटक है, तू नहीं रहना चाहती मेरे साथ तो मत रहे, तलाक ले लेना, की कर इस मामले को। तुम रोज शराब पीते रहो, मुझे मारते रहो, मेरे बच्चों को मारते रहो, एक बात कान खोल कर सुन लो, ना मैं तुम्हें तलाक दूंगी और ना ही वापस आऊंगी। दीदी, पति से झगड़ा नहीं करते हैं। तुझे मेरे साथ नहीं आना है तो मत आ, पर मैं अपने बच्चों को यहाँ नहीं रहने दूंगा, खुशबू मेरे साथ आएगी। हाँ माँ, मुझे यहाँ गाँव में नहीं रहना है, वापस पुणे जाना है। सुन लिया? बच्चे अपना अच्छा बुरा नहीं जानते, पर मैं जानती हूँ ना, ये यही रहेंगे मेरे साथ। अरे कैसे नहीं आएंगे बच्चे, तू हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करती रही है, बच्चे हैं इनकी जिंदगी बर्बाद। तू ज़्यादा मेरी बहन को हाथ लगाया तो यही जिंदा काट दूंगा। बहुत मार लिया तूने, अब बस। बहुत हुआ तुम्हारा आतंक संतोष प्रसाद, अब वापस यहाँ आए ना तो पुलिस कंप्लेन करूंगी डोमेस्टिक वायलेंस के लिए। तूने मेरे बच्चों को मुझसे अलग किया है, छोड़ूंगा नहीं तुझे, देख लेना। हाय, मैं अर्जुन के आई जा रहा हूँ, तुम्हें छोड़ देता हूँ? नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे कोई बात नहीं, अरे आ जाओ। गाड़ी तो तुम्हारी मस्त है, एकदम तुम्हारी तरह। कभी ट्राई किया? नहीं। करोगी? वादा कर कि फिर कभी इस लड़के से नहीं मिलेगी। अर्जुन बस आसे, प्लीज वापस बताना, प्लीज। मेरी बेटी से दूर रहना तुम। चल सुन, वापस इधर दिखाना तो इधर ही गाड़ूंगा, समझा? चल चल अंदर। आज के बाद इस घर से अकेली बाहर नहीं निकलोगी, समझी तुम? I'm sorry, लेकिन मेरे और आसे में एक दूसरे को कॉलेज टाइम से जानते हैं, मैं उससे प्यार करती हूँ, वो मुझसे प्यार कर। शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? प्यार करने की उम्र है तुम्हारी? हाँ चलो अपने कमरे में जाओ। अर्जुन नजर रखो इस पर। दीदी, बच्चों पे बाप का साया होना बहुत जरूरी है, आप तो यहाँ चली आई, बच्चों की खुशी किसमें है, उनको क्या चाहिए कभी सोचा है आपने?
ये आज के लिए। मैंने जो बोला था वही लाए तुम? बिल्कुल वही है, देख लो। हाँ ये तो वही मॉडल है जो मैंने बोला था। I love you. अगली बार के लिए क्या मिलेगा? जो तुम बोलो। क्या चाहिए तुम्हें? माँ से छुटकारा। मतलब? अरे यार उनको ना अपने सिवा और कुछ दिखता ही नहीं है। खुद की शादी तो संभली नहीं और दीदी का ब्रेकअप करवा दिया। भगवान जाने वो क्या करेंगे जब उनको हमारे बारे में पता चलेगा। ये रोज रोज ही ऐसा करता है? बाद में फोन करता हूँ। मामा मैं माँ का कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, बंद आ रहा है। और वो कह रही थी कि पुणे पहुँच के कॉल करेंगी। मधु पुणे गई है? हाँ क्योंकि उन्होंने पापा से बात की थी ना डाइवोर्स की। कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था। तूने पापा को फोन किया? उन्हें भी किया पर उनका भी बंद आ रहा है। अरे मधु का फोन बंद हो गया होगा, बैटरी गई होगी। मामा आप ट्राई मत कर, मधु ठीक होगी। तू जा। लूटपाट का मामला तो नहीं लग रहा है, गहने वगैरह वैसे ही हैं और पर्स भी मिला है, इसमें भी सब चीज़ें वैसे ही हैं। ये आधार कार्ड भी मिला है सर। मधुमती प्रसाद आइडेंटिटी तो मिल गई, फोन वोन मिला? नहीं सर, फोन वगैरह तो नहीं मिला है और एरिया भी काफ़ी सुनसान है, कोई सीसीटीवी भी नहीं है। आसपास कहीं ना कहीं सीसीटीवी होगा सर के, फुटेज कलेक्ट करो। क्योंकि ये रहती थी विमान नगर में और इसकी बॉडी मिली है कातरज में, पैदल तो नहीं आई होगी। सीसीटीवी में ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। और ये आधार नंबर, ये आधार नंबर से कोई मोबाइल नंबर या अकाउंट नंबर लिंक के पता करो। ठीक है सर। सर सर बॉडी पे कोई स्ट्रगल वुंड्स नहीं है, सिर पर ही चोट है बस, किसी भारी चीज से वार किया गया है। ब्लड क्लॉटिंग गले सिर के, इसका मतलब मर्डर आज नहीं कल या परसों हुआ है। ये क्या है सिर के? ये तो ब्लड नहीं लगता है। एम्बुलेंस बुला सर और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। हेलो संतोष, मधु कहाँ है? वो तुझसे मिलने ही आ रही थी पुणे, उसका फोन बंद आ रहा है। तूने उसे फिर मारा तो नहीं? अरे भाग गई होगी अपने किसी यार के साथ। इधर नहीं आई और नहीं मुझे कुछ बताया उसने। देख संतोष नाटक मत कर, बता मधु कहाँ है। रख फोन। संतोष सर ऐसे नहीं मानेगा, पुलिस के पास जाना पड़ेगा। ये तुम्हारी बीवी है? हाँ साहब, पर ये पिछले 5 महीने से सतारा में अपने भाई के घर में, और मुझे याद नहीं कि आखिरी बार मैं इसे कब मिला था। मर्डर करने के बाद लोगों को वैसे भी कुछ याद नहीं रहता। मर्डर? साहब साहब मैंने नहीं मारा अपनी बीवी को, मैं 2 महीने से उससे मिला भी नहीं, मैं क्यों मारूंगा उसे? क्योंकि तेरे को उसको मारने की आदत थी, हमने आस पड़ोस में पता किया है तू किस तरह से बीवी को और बेटियों का मारता था। वैसे संतोष तो अच्छा आदमी है लेकिन जब दारू पीता है ना अपनी बीवी को बिना बात मारता है। अरे उस दिन तो उसने अपनी बेटी सिया को भी मारा, तब से मधु दोनों बच्चों को लेके गई है तो वापस आई नहीं। साहब साहब माना कि मैं गलत था, पर पिछले 5 महीने से वो अपने भाई के घर है सतारा में, मैं खुद गैरेज में रह रहा हूँ 2 महीने से साहब, और वहाँ उसका किसी से अफेयर भी हो गया है, मेरी बेटी ने खुद मुझे बताया। तो तेरे पास तो सबसे बड़ा मोटिव उसको मर्डर करने का? मैंने नहीं मारा उसको, उसको उसके यार ने मारा होगा साहब। अच्छा तो उसका बॉयफ्रेंड सातारा से पूरा उसको मारने के लिए आएगा? हाँ छिड़के इसके आधा भाई चेक करो और पता करो मर्डर के दिन कहाँ था ये। मैं,
मैंने नहीं मारा सर। अरे ये सब के सब मुसीबत है रे, पहले बेटी का चक्कर चल रहा था, फिर माँ गायब हो गई और इन दोनों की जिम्मेदारी मेरे सिर पे छोड़ गई। अब करते बैठो इनकी चाकरी, नरक हो गई है जिंदगी एकदम से। अच्छा रखती हूँ फोन, चलो बाय। दीदी माँ कहीं तरुण के साथ तो नहीं? वो हमें से छोड़ के नहीं जाएंगी। सर संतोष झूठ बोल रहा है, मैंने उसका फोन चेक किया था। सर मधु ने से 2 दिन पहले फोन किया था और सर उनकी काफी लंबी बात हुई थी। लेकिन ये संतोष मानने के लिए तैयार ही नहीं है सर, कन्फेस ही नहीं कर रहा है। फिर के सातारा जाने की तैयारी करो, वहां जाके मधु के भाई से बात करते, वो बता सकता है कि मधु और संतोष में से क्या बात हुई थी। मधु का मर्डर हो गया। सर ये मेरी बहन मधु है। सर कल सुबह पूना गई थी और कल से इसका फोन बंद आ रहा है। सर सर बहुत डर लग रहा है सर। ठीक है थोड़ी देर आप बाहर रुकिए। जी सर। सर पुणे पुलिस आई है। ठीक है पाठो जाना। हाय। अरे केलकर क्या है? मस्त मस्त है। बाय द वे पीएसआई गोखले सर। दीपक गोखले पीएसआई सचिन शिरके। हेलो सर। हेलो। माय राइट हैंड। हेलो। तृप्ति माय लेफ्ट हैंड। हेलो। एकदम सही टाइम पे आया। मधुमती प्रसाद का भाई आया था अपनी बहन की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए, उसे बाहर बिठाया, शायद तुम कुछ तहकीकत कर सको। मिस्टर अशोक यह इंस्पेक्टर केलकर पुणे पुलिस, आगे की तहकीकत यही करेंगे। गोहित केलकर काय मदद लागली तर कडे तुमच्या सोबत असतील। गुड लक। ओ क्या हुआ सर, आपको मधु के बारे में कैसे पता? हमें आपकी बहन मधु की लाश मिली। संभालिए आपने आप। ये पक्का संतोष ने इसे मारा है, ये उसी के पास गई थी तलाक के बारे में बात करने। आपने ये उसके साथ? सर हर भाई की तरह मैं भी चाहता था सर कि तलाक ना हो, उसके साथ खुश रहे, 2 बच्चे थे सर उनके, इस बात पर हमारा झगड़ा भी होता था। मैं भी संतोष से नाराज था लेकिन मैं चाहता था वो सुधर जाए और ये सब खुश रहे। मैंने पता भी किया था कि संतोष की शराब की लत छूट सकती है, उसका इलाज है, मैं उससे बात करने ही वाला था। काश मैंने उसे तलाक लेने दिया होता, काश मैं उसके साथ चला गया होता। हमें आपकी फैमिली से बात करनी होगी। संतोष ने बताया मधु का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। आप लोगों को पता है किसके साथ चल रहा था? क्या झूठ बोल रहा है वो कमीना? नहीं मामा, पापा को मैंने ही बताया था कि मम्मी का तरुण के साथ अफेयर चल रहा है। कौन तरुण? हमारा पड़ोसी है तरुण माने। खुशबू तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो क्योंकि माँ ने मना किया था। आपसे 12 साल छोटा है वो। तो क्या हुआ? वो प्यार करता है मुझसे। और पापा उनका क्या? सिया तुम जानती हो कि वहाँ जाकर भी कुछ बदलने वाला नहीं है, तुम्हारे पापा कभी नहीं सुधरेंगे और सपना भाभी भी यहाँ ज्यादा दिन रहने नहीं देंगी हम लोगों को। तरुण इंजीनियर है, जॉब है उसका, मैंने उससे कहा है कि वो मुझे भी कुछ काम दिला देगा, हम अलग रह सकते हैं, फिर से सब कुछ ठीक हो सकता है। देखो माँ अगर आपको सही लगता है तो मैं आपके साथ हूँ, मैं बस इतना कह सकती हूँ। तरुण माने तू है? मैं हूँ, क्या हुआ सर? चल पुलिस स्टेशन। सर क्यों क्या हुआ? तूने मधु का मर्डर किया समझा? क्या कुछ भी बोल रहे हो, मैं मधु को क्यों मारूंगा? ए
चल। सर, आपको कुछ गलत फहमी हुई है, ये ऐसा नहीं कर सकता। आप कौन है? भाई को इसका अफेयर चल रहा था मधु के साथ, पता है आपको? हो सर, मुझे भी कुछ दिन पहले पता चला है। फोन चेक करो इसका, लॉक खोल। सर लॉक खोल। सर मैं डहानू में रहती हूँ, टीचर हूँ मैं, और ये इंजीनियर, इसका अभी अभी एक नया काम शुरू हुआ है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, इसलिए वो यहाँ आया था कुछ महीनों से। हर सैटरडे संडे मुझसे मिलने आ जाता था, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा जाकर मैं उसे सरप्राइज दूँ, इसलिए मैं यहाँ आ गई। और मैंने देखा कि जी तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? आप बताइए, आप कौन है और किससे मिलना है आपको? तरुण का है। तरुण, तुम शादीशुदा हो और ये बात तुमने बताई? हे भगवान, कितने बड़े कमीने हो और मैं कितनी बड़ी बेवकूफ। ए, दी सती सावित्री बन मत तू, तेरी भी तो शादी हो चुकी है, डिवोर्स कहाँ मिला तूने अब तक? चल निकल यहां से। अरे निकलो। ये संडे की बात है ना? नहीं सर, सैटरडे की। सैटरडे की? और मधु का मर्डर हुआ था मंगलवार के दिन और आज है गुरुवार। सर ये देखिए, सर हमने तरुण का फोन चेक किया सर, मधु से ब्रेकअप के बाद भी ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में थे सर, पुणे जाने वाले थे, एक मैसेज में ये बात भी है। जरूर इसी ने कुछ किया होगा। एक काम करो, सिग्नल का सीसीटीवी फुटेज क्लिक करो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ठीक है सर, कटे उठाओ इसे। चल। अरे सर मैंने किया क्या है सर? मैं जानता हूं कि जो कुछ भी हुआ है बहुत बुरा हुआ, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ जब तुम 18 साल की हो जाओगी तो मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन प्लीज पुलिस को कुछ भी मत बताना, प्लीज। नहीं बताऊंगी, आई लव यू। ए अर्जुन हाथ मत लगा। अच्छा हाथ नहीं लगाऊं? देख तेरी माँ ने तुझे छूने से मना किया था तो उसका क्या हाल किया, अब ये सोच तू मना करेगी तो तेरा क्या हाल करूंगा। अच्छा ऐसा है, तो ये सारी बात जाके मैं पुलिस को बता देती हूँ ना। अच्छा तो तुम अपने लिए दूसरा घर भी ढूंढ लेना, और ये भी सोच लेना कि तुम दोनों जवान बहनें अकेली सड़क पर रहते हुए कैसी नजर आओगी। चिल्ला मत, खड़े रह। चल। सर मैंने नहीं मारे। चलो बरा। साहब मैंने नहीं मारा है मधु को, मैं क्यों मारूंगा उसको? हम दोनों के झगड़े के बाद हम दोनों की सुलह हो गई थी, मैंने उसको बोला था कि मैं उसको सपोर्ट करूंगा, मैं शादीशुदा होने के बाद भी मैंने मधु से वादा किया था कि मैं उससे शादी करूंगा, मैं सच में उससे बहुत प्यार करता था सर। आप ठीक तो है? सॉरी वो मैं कभी कभी यहाँ अकेलेपन के लिए आ जाती हूँ, अब आई एम सॉरी मैं चलती हूँ। नहीं 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 नहीं, रुकिए रुकिए, तो चलिए साथ में अकेलापन बांटते हैं, मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं ऑफिस से जल्दी आया। चाय पियेंगी आप? प्लीज मैं बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ, आई इंसिस्ट प्लीज। थैंक यू सो मच। एक चाय, कम ऑन प्लीज, आई इंसिस्ट। पति से कोई उम्मीद नहीं है, भाई के घर ज्यादा रहे तो उसका घर टूट जाएगा, कभी कभी जी करता है जाकर कहीं मर जाऊं मैं, करूं तो क्या करूं मैं। हे, ऐसा नहीं कहते, मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं करूंगा तुम्हारी मदद, प्लीज रोना मत।
तूने एक दुखी औरत का घर फौदा लेके उसको मार दिया। नहीं, मैंने नहीं मारा उसको सर। सर जब हमारी बात उसे पता चली तब मैंने उसे माफी भी मांगी। मैंने ही कहा उसे कि जाके अपने पति से डिवोर्स ले ले, मैं करूंगा उसे शादी। तो सर मैं उसको क्यों मारूं? मर्डर वाले दिन तुम दोनों पुणे में क्या कर रहे थे? सीसीटीवी में दिखे हो तुम सातारा चौक में। सर मैं पुणे क्यों जाऊंगा, मैं अपने काम से जा रहा था, उसको रास्ते में ड्रॉप कर दिया। सर फिर मैं निकल गया अपने काम के लिए, मैं सर क्यों पुणे जाऊं? तुला फार सोपो वाटते ना सगळं। हां शिरके इसको पुणे लेके चलो ट्रीटमेंट के लिए, बराबर बात करेगा। मधु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसके सर पर जिस हथियार से वार किया गया था उस पर इंजन ऑयल के ट्रेसेस थे और मधु का पति संतोष गराज चलाता था। संतोष इस केस में बहुत बड़ा सस्पेक्ट था, पर पुलिस को बाद में मधु के अफेयर के बारे में पता चला। मधु अपने से काफी छोटी उम्र और शादीशुदा लड़के तरुण के साथ रिलेशनशिप में थी और मौत के वक्त तरुण उसके साथ था। वो भी उस वक्त पुणे जा रहा था और तरुण इस केस का प्राइम सस्पेक्ट बन गया, पर कोर्ट में हार्ड एविडेंस ना होने की वजह से वो रिहा हो गया। वैसे मुझे वैनी का फोन आया था, बोल रही थी कि उनकी कोई कजिन सिस्टर है शादी के लिए। मेरी हालत देख रहा है ना, बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं। सर सर ये देखिए सर, मधुमति प्रसाद की बेटी सिया का वीडियो। सर सर ये वीडियो सतारा से अपलोड हुआ है, सर अर्जुन ने से अपलोड किया है। दीदी लीजिए, डिलीट कर दी। अभी इसने सिया के नहाते, क्या हो रहा है, क्यों शोर मचा रखा है? भैया इसने वीडियोस निकाले सिया के बाथरूम में। दीदी मेरे अर्जुन के खिलाफ जहर क्यों कर रही हैं? कहाँ है वीडियोस में? अभी मैंने अभी आपको वीडियोस दिखाए। हाँ झूठ बोल रही दीदी। मैं झूठ बोल रही हूँ? सर अर्जुन मुझे धमकी देता रहता था और इसका वो दोस्त प्रवीण भी, क्योंकि इनका मेरी माँ के साथ झगड़ा हुआ था। खुशबू क्या कर रही थी तुम? प्रवीण तू रहो खुशबू से, ये सिर्फ 16 साल की है। अरे तो मैं कौन सा जबरदस्ती कर रहा हूँ उसके साथ, ये भी तो अपनी मर्जी से ही कर रही है ना। बच्ची है ये, सही क्या है गलत क्या है पता नहीं है इसे। देखो दूर रहो खुशबू से वरना मैं पुलिस के पास जाऊंगी। ओ बुआ इतना क्या चिढ़ रही हो, तुम्हारी दोनों बेटी का दूध की धुली है। अर्जुन और तुमको पुलिस के पास जाना है ना, तो जाओ हम देख लेंगे। अर्जुन तुम मर्डर वाले दिन कहाँ थे? सर सर मैं घर पे ही था। और प्रवीण? प्रवीण मेरे साथ था, उसने कुछ नहीं किया। ऐसे पारिवारिक मामलों के केसेस में कौन सच बोल रहा है कौन झूठ कुछ पता ही नहीं चलता, इनके स्टेटमेंट के ऊपर कैसा भरोसा रखे शेर के। एक काम करो इन सबके सीडीआर और अलेबाई चेक करो। तरुण के रिहा होने के बाद पुलिस ने बहुत कोशिश की उसके खिलाफ सबूत ढूंढने की और बाकी सस्पेक्ट्स को भी खंगाला गया, पर उनके हाथ कोई पुख्ता सबूत नहीं लगे। संतोष हो या तरुण या मधु के मायके वाले, सबकी अलबाई थी। अक्सर पारिवारिक मामलों में पुलिस के सामने यही अड़चन आती है कि कौन किसको बचाने के लिए झूठ बोल रहा है समझ में नहीं आता और उन्हें असली मुजरिम तक पहुंचने में काफी मुश्किल हो जाती है। इस तरह केसेस ठंडे पड़ जाते हैं। मधु का केस भी अब कोल्ड केस बनकर रह गया था, पर 3 महीनों बाद कुछ ऐसा हुआ कि पुलिस को ये केस दोबारा खोलना पड़ा। खाना बहुत अच्छा बना है। थैंक यू, माँ ने सिखाया था। खुशबू
खुशबू सिया हुआ नहीं तुम लोगों का अब तक? हाँ। फटाफट कर चल खुशबू। कल से मेरी बहन की दोनों बच्चियां मिल नहीं रही हैं। पता नहीं कहाँ चली गई। कब से? सर कल से दिख नहीं रही हैं सर। तुम्हारे घर पर रहती थी ना, तुम्हें नहीं पता? नहीं सर, अर्जुन की जो रिमांड हुई थी तो सपना ने उन दोनों को घर से निकाल दिया था। बाप शराबी है, वो उन्हें लेने आया नहीं, तरुण उन्हें अपने घर ले गया। मुझे भी लगता था कि पड़ोस में है, जब दिल करे मैं उनसे मिल लिया करूँगा, लेकिन कल से वो नहीं मिली सर। मैं अपनी बहन को पहले ही खो चुका हूँ सर, प्लीज इन बच्चियों को ढूंढ लीजिए सर। उन दोनों लड़कियों की फोटोज और सारी डिटेल्स दे दो। ये लड़कियां जानी पहचानी सी लगती है। हाँ बोला सावन खेलकर। वो मधुमती प्रसाद का केस याद है? हाँ, उनकी दोनों बेटियों की लाशें मिली हैं। क्या? खुशबू, शिया, सब मुझे, सब ये तुम दोनों की वजह से हुआ। ना तुम इन्हें घर से निकालती और ना ये तरुण के पास जाते। पहले उसने मेरी बहन को मारा और इन दोनों बच्चियों को। सर आपको उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला, इसलिए वो खुला घूमता रहा। देखो उस कातिल ने दोनों बच्चियों को मार दिया सर। अशोक जी, इस बार तरुण बच के नहीं जाएगा। मुझे इन दोनों लड़कियों की पीएम रिपोर्ट जल्द से जल्द चाहिए। और पता करो मधु और इन दोनों लड़कियों के मर्डर में कुछ कॉमन मिलता है क्या। और वो प्रवीण और अर्जुन, उसके ऊपर नजर रखो। मधु के साथ पंगा था ना उसका ये लड़कियों को लेकर, तो हो सकता है माँ के मरने के बाद लड़कियाँ उसके खिलाफ जाना चाहती हो। तो उनका फोटो सर्कुलेट किया, सारे CCTV फुटेज क्लिक करो, आसपास पता करो। ये तरुण मिलना बहुत ज़रूरी है, और तरुण की वाइफ उसको तुरंत बुलाओ। अगर मधु का केस सॉल्व किया होता तो उसकी दोनों बेटियाँ जिंदा होती। सर तरुण कहाँ गया होगा ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ सर, दो दिन पहले तरुण का प्रवीण और अर्जुन के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। तू बात नहीं है उनका समझा? तो तुम लोग जो करना चाहोगे उसके साथ तो करने दूंगा क्या? ए बाप बनने की कोशिश मत कर, अब सादा किया ना, समझ ले तू। चल नहीं सर, अब हम दोनों साथ नहीं रहते। मैंने उसे डिवोर्स का नोटिस भेजा, उन दोनों लड़कियों को साथ लेके रहना चाहता था। मैं इतने कसला बोर्ड क्या सो गिल्ट होता तला। आपको क्या लगता है आपके पति मधु और दोनों बेटियों को मार सकते हैं? अतः काय सांगू सर, मुझे तो ये भी नहीं लगा था कि वो मुझे चीट करेगा। ये घर के अलावा दूसरा कोई घर है जहाँ वो छुप सकता है? नहीं, बस हम दोनों का डहानू में घर है और वहाँ वो नहीं आया। डहानू के घर का एड्रेस देना, एड्रेस हम चेक करेंगे। सर चुबाट, सीधा खड़ा रहा है। तुम्हारे पड़ोसियों को सपना गिरा था, तुम्हारा तरुण के साथ झगड़ा हो रहा है। सर खुशबू मेरी गर्लफ्रेंड थी और तरुण ने खुशबू को मारा था, इसलिए मैं उससे झगड़ा करने गया था। वो वापस यहाँ पर आना नहीं चाहिए, तेरे को पहले भी बोला था उसको मिलना मत। इसके बाद ना ये सब मैं देखने नहीं वाला, वहां पे नहीं यहाँ पे रहना तुझे। और सर वो सिया का बॉयफ्रेंड आसिफ, वो रोज तरुण के पीछे से सिया से मिलने आता था। बुआ ने तो उन लोग का ब्रेकअप भी कराया था और मैंने भी सिया को समझाया था कि मत मिल उससे, पर ना वो मानती थी और ना तरुण रोकता था उसे। और सर वो आसिफ ना सर, वो भी पुणे का ही है सर। वो खुशबू पे भी लाइन मारता था मुझे चिढ़ाने के लिए, क्योंकि मैंने उसे पीटा था इसलिए। सर पता नहीं तरुण और आसिफ में इतनी क्या जमती थी, हम तो बस इतना चाहते थे कि वो सतारा ना आए। आसिफ पुणे का है ना, वो भी तो मार सकता है मधु को, उसको ले गया। सर मैंने पता किया तरुण के ऑफिस में, संतोष गया था वहां पर। सर उन दोनों में काफी लड़ाई हुई थी,
सर संतोष ने तरुण को बोला था कि तू मेरी बच्चियों के साथ ठीक नहीं कर रहा है। सर उसको लिख क्या? सर पहले लड़की का MMS बनाते हो, बाद में उसका वीडियो वायरल करते हो और उसके बारे में चिंता दिखा रहे हो। करने समझ रहे हैं? ये दोनों केसेस में तरुण सस्पेक्ट है। पिछली बार जो क्लू हमने मिस किया वही क्लू ये केस सॉल्व करेगा। राइट सर। सर सियाओ खुशबू की PM रिपोर्ट आ गई। सर दोनों लड़कियों की रिपोर्ट के हिसाब से उन्हें 19 अप्रैल 7:30 से 9:30 के बीच में मारा गया था। बॉडी पे कहीं भी कोई स्ट्रगल के निशान नहीं है सर, हाँ लेकिन इनके पेट में पोहे के ड्रेसेस मिला है और पोहे के साथ नींद की दवा दी गई थी। और सर ये जो खुशबू है ये 3 महीने प्रेग्नेंट थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बच्चा तरुण का था? तरुण का DNA सैंपल है ना हमारे पास, वो मधु के केस का इस बच्चे के DNA से मैच करवा और वो प्रवीण और अर्जुन उनका भी DNA सैंपल कलेक्ट करो। ये तरुण को माँ ने मिली तो बेटी के साथ। मुझे पता था कि मेरी भांजी प्रेग्नेंट है, संतोष ने बताया था। वो उनके गायब होने से एक दिन पहले वो आया था मिलने मुझसे। खुशबू प्रेग्नेंट है, उसने खुद फोन करके मुझे बताया। कमाल है, कैसा मामा है तू? तेरे बाजू में रहते हुए ये सब कांड हो गया और तुझे पता भी नहीं चला? बाद में बात करता हूँ। देखिए यार, हम दोनों को ही पता है कि खुशबू कैसी है, तो फिक्र मत कर, मैं संभालता हूँ बात को। यही बात करने मैं तरुण के घर गया तो देखा वहां ताला लगा हुआ है। ये बात पहले क्यों नहीं बताई हमें? मैं अपनी भांजी की बदनामी नहीं चाहता था। मुझे लगा आप ये बात सुनकर सीरियसली नहीं लेंगे कि उसका कैरेक्टर मधु के खून का मामला ठंडा पड़ गया था और मैं नहीं चाहता था कि ये केस भी बंद हो जाए। आपको पता है वो बच्चा किसका था? खुशबू प्रेग्नेंट थी, इससे कई नए मोटिव सामने आ रहे हैं। ये संतोष भी तो मार सकता है अपने बेटियों को सर, या फिर प्रवीण भी हो सकता है। सर हो सकता है कि उसको पता लग गया हो कि ये बच्चा तरुण का है। तरुण और लड़कियों का मोबाइल का कुछ पता चला? सर इन तीनों के फोन सतारा जंगल में स्विच ऑफ हुए थे, वो भी एक साथ। मुझे तो लगता है शेर के ये काम तरुण ने ही किया है। हेलो, ठीक है हम आ रहे हैं। सर तरुण की बॉडी मिली है। क्या? तरुण का गायब होना, खुशबू और सिया की बॉडीज का इस तरह मिलना तरुण को फिर से कटघरे में लाकर खड़ा करने वाला था। पुलिस कहीं ना कहीं ये सोच रही थी कि अगर उन्होंने तब तरुण को सजा दिलवा दी होती तो आज दोनों लड़कियां जिंदा होती। पर तरुण की बॉडी मिलने के बाद मामला और उलझ गया। अब लग रहा था शायद तरुण ने मधु को नहीं मारा। अगर तरुण ने मधु को नहीं मारा तो किसने मारा और ऐसा क्या हो गया था इन 3 महीनों में जो कातिल ने इन 3 लोगों की जान ले ली? क्या तरुण और लड़कियां मधु के कातिल तक पहुंच गए थे इसलिए उन्हें मरना पड़ा या बात कुछ और ही थी? कॉल आया था कि बॉडी मिली, बहुत बदबू मार रही थी, देखा तो वो तरुण निकला। शिरके बॉडी पूरी तरह डिकम्पोज हुई है, लगता है उन लड़कियों के साथ साथ इसको भी मारा है। बॉडी के पास कुछ मिला? हाँ, इसका पर्स और कुछ सामान मिला, बाकी कुछ नहीं। लड़कियों की बॉडी हमें कोल्हापुर में मिली थी और ये रत्नागिरी रास्ते पर। शिरके तीनों बॉडी ले जाने के लिए किसी गाड़ी का इस्तेमाल हुआ होगा। ट्रैफिक वालों से बात करो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। सर सर संतोष को उठा लिया है। अपने खुद के बेटियों को अपने बीवी के मर्डर में जो सस्पेक्ट है उसके पास रखने में शर्म नहीं आई तेरे को? कैसा बाप है तू? साहब मेरे पास क्या जा रहा था, सब कुछ दारू में बिक गया, गैरेज में रहता हूँ, फिर बच्चिया वहाँ खुश भी तो थी। और तेरे को देखे नहीं गया हो इसलिए मार दे उनको? नहीं साहब, मैंने अपनी बच्चियों को नहीं मारा, खुशबू तो मेरे साथ रहना चाहती थी, वो परवीन को चाहती थी। 19 तारीख को मैं पूना में था साहब। इसका सीरियल चेक करो, यहीं रहने दो इसको। सर इसके पास सबसे बड़ा मोटिव है तरुण को मारने का। आसिफ का कुछ पता चला? सर उसे उठाने के लिए गए। अरे साहब कहाँ लिए डॉक्टर साहब? साहब मैंने क्या किया? कहाँ लिए डॉक्टर साहब? अगर त्याला पैसे ट्रांसफर केले तो आणून देईल भाजी। अगं PI मी, काही इज्जत बिज्जत आहे की नाही माझी? सर सर प्रवीण की DNA रिपोर्ट आ गई है सर। खुशबू के पेट में जो बच्चा था सर वो प्रवीण का ही है,
मतलब सर कंफर्म है कि इस प्रवीण ने ही खुशबू का मर्डर किया है। लेकिन ये प्रवीण और खुशबू तो रिलेशनशिप में थे, शादी करने वाले थे। लेकिन सर शादी करने का बोलना और एक्चुअल में शादी करना अलग चीज़ है सर। पर सर CDR के हिसाब से वो यही था सतारा में, और सर उसकी एलिबाई भी है। अरे वो आमिर आदमी है, एलिबाई खरीद सकता है। फिर से चेक करो सर। आसिफ को लेके आए। आसिफ सिया का बॉयफ्रेंड? हाँ सर, 10th क्लास से। लेकिन उसकी माँ मधु को तू पसंद नहीं? सर उनकी गलती नहीं थी, कम्युनिटी अलग और पढ़ाई के बीच वो नहीं चाहती थी कि सिया भटके, इसलिए मधु ने तुझे पिटवाया। और वो तरुण रोक टोक करता था ना, तो तेरे को गुस्सा आया, तूने मधु को मार दिया। सर मैंने मधु आंटी को नहीं मारा सर। ठीक है, तूने नहीं मारा, हाँ तरुण ने मारा। तो गुस्से में आके तूने तरुण और दो लड़कियों को मार दिया। सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने किसी को नहीं मारा, और जहाँ तक मैं तरुण को जानता हूँ वो किसी को नहीं मार सकता। क्यों? सर क्योंकि वो सिया और खुशबू का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था, और अगर कुछ गलत होता तो सिया मुझे जरूर बताती। सर सर मैं सिया को क्यों मारता, मैं तो उससे प्यार करता था। इनफैक्ट 18 तारीख की रात को सिया ने मुझे कॉल भी किया था। उसने बताया कि उसके मामा शायद उन्हें कोल्हापुर भेजने की बात कर रहे हैं, उनकी नानी के घर। खुशबू के मोशन के लिए? सर मैं सुबह देर से उठता हूँ, तो उठकर जब मैंने सिया को कॉल किया तो उसका फ़ोन बंद जा रहा था। सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने किसी को नहीं मारा, अम्मी कसम सर। अशोक को ये बात पता थी, उसने हमसे छुपाई। वो हर बात छुपाता है हमसे। उसका CDR चेक किया? यस सर, फोन घर पे ही था। उसके पास गाड़ी है ना, व्हाइट कलर की तवेरा? हाँ सर। फॉरेंसिक बोलो चेक करने के लिए, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं सच सच कह रहा हूँ। जब पुहा में दवा मिलाता है नींद की, लड़कियों को खिलाता है, उनका मर्डर करता है और बोलता मैंने कुछ नहीं किया, ये क्या है? हाँ ये क्या है? ये पोहा मिला है तेरे गाड़ी से? हाँ देख, तेरी गाड़ी कोल्हापुर और रत्नागिरी के टोल नाका पे मिली हमें, CCTV में देखा हमने। सच सच बता, तरुण खुशबू और सिया को क्यों मारा? जो ऐसा नहीं पता गया, गेर तो रपटा। मधु के मरने के बाद मैं थक गया था सर, खुशबू की हर जगह बदनामी हो रही थी। प्रवीण का बाप मेरा ठेकेदार था, तो मैं उसे कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। और फिर जब उन दोनों तरुण के पास रहने लग गई तो मेरी तो नाक ही कट गई, और फिर उसकी प्रेगनेंसी का पता चला। तो मैंने सोच लिया कि अब बस। तरुण खुशबू सिर्फ 16 साल की है, बेहतर होगा उसका ऑपरेशन करवा दें। देखो मेरी माँ का घर कोल्हापुर में है, उसे वहाँ ले जाएंगे। वहाँ मेरे चाचा हैं जो वैद्य हैं, वो सब संभालेंगे, किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। अरे प्रवीण का बाप इन दोनों की शादी कभी नहीं होने देगा, और प्रवीण वो सिर्फ खुशबू के मजे मार रहा है, और ये बात खुशबू को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। ठीक है चलते फिर कल सुबह। अरे मैं वो आप लोगों के लिए नाश्ता लाया था, वो खिलाना ही भूल गया। लो खुशबू, तुम्हें तो पोहा बहुत पसंद है ना? मारने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अरे रास्ता सबके पास होता है रे, सबको चाहिए शॉर्टकट। अब बता मधु को क्यों मारा? मधु को क्यों मारा? नहीं सर नहीं, मधु को मैंने नहीं मारा सर, संतोष ने मारा होगा। सिर के सवाल अभी भी वही है कि ये मधु को किसने मारा? ये दोनों बेटियों के मर्डर के टाइम ये अशोक का फोन घर पे था, और मधु के मर्डर के टाइम भी उसका फोन घर पे था। हाँ सर। मधु के मर्डर के टाइम उसने किसी का कॉल रिसीव किया? नहीं सर, इसने 3 घंटे तक किसी का कॉल रिसीव नहीं किया था। शिरकी अशोक हमारे साथ गेम खेल रहा है, मर्डर इसी ने किया है, हमें सिर्फ सबूत चाहिए इसके खिलाफ। CCTV में कुछ मिला? नहीं सर। फिर से चेक करो। ओके सर।
ये व्हाइट कलर की तवेरा है ना उसके पास? सर कॉमन कार है, और सर उसकी कार की नंबर प्लेट भी किसी से मैच नहीं हो रही। सर एक मिनट, सर ये देखिए फास्ट टैग। गाड़ी की नंबर प्लेट कोई भी चेंज कर सकता है, फास्ट टैग का कोड नहीं। इन सारी गाड़ियों के फास्ट टैग की डिटेल्स निकालो। कड़े सर, सर 13 नवंबर 2018 सर अशोक की गाड़ी का फास्ट टैग यूज हुआ था सर सतारा से पूना जाते वक्त, और उसी दिन वो गाड़ी पुणे से सतारा वापस आई। शिरके, चार चम्मच शक्कर की चाय दिमाग की बत्ती जला है। इधर देख, तीनों मर्डर का कन्फेशन किया है तूने। तू बहुत लंबे समय तक अंदर जाने वाला है, और मधु के मर्डर के खिलाफ हमारे पास पक्का सबूत है। सच सच बता, मधु को क्यों मारा? नहीं बताएगा? मैंने मधु को सबको जेल भेजना चाहती थी, प्रवीण को, संतोष को, अर्जुन को, सब पर क्रिमिनल केस करना चाहती थी। जो तरुण उसे भड़का रहा था, तरुण ने उसे माफी मांग ली थी और कहा था तू लड़, मैं तेरा साथ दूंगा। मधु रुको, मधु देखो, मधु तुम सही नहीं कर रही हो। सही तो मैंने आज तक नहीं किया भैया, ना अपने साथ ना अपनी बच्चियों के साथ। संतोष, अर्जुन, प्रवीण सबने हमारा फायदा उठाया, और आपने भी कुछ किया नहीं। पर मैं अब करूंगी भैया। मधु, मैंने तुम्हें पनाह दी और तुम मेरे परिवार को बर्बाद करने पे तुली हो। अर्जुन मेरा बेटा है, तुम्हारा भतीजा है, और सिया मेरी बेटी है और आपकी भांजी है। अब मैं किसी को माफ नहीं करूंगी भैया। मधु, मैंने उसे फॉलो किया, वो तरुण के साथ जा रही थी। तरुण ने उसे गाड़ी से उतारा, वो बस स्टॉप की तरफ जा रही थी, और मैंने जाके उसे चलना, हो गई मुझसे गलती, अब जो तू बोलेगी वही करूंगा। और फिर मैं उसे सुनसान सड़क पर ले गया, मैंने गाड़ी के खराब होने का बहाना किया और उसे कहा तू झाड़ी में से एक पत्थर ले गया। पत्थर लेने गई और ठीक लगा, चार चार लोगों का मर्डर किया, बच जाएगा, निकल गया हमारे हाथ से, अभी जिंदगी भर सर जेल में। मधु की मौत के लगभग 5 महीने बाद उसका केस सॉल्व हुआ, वो भी उसकी बेटियों की मौत के बाद। अगर पुलिस ने तरुण की लाश बरामद ना की होती तो शायद सिया और खुशबू का केस भी कोल्ड केस की लिस्ट में शामिल हो जाता। इस केस ने पुलिस को हर मोड़ पर गुमराह कर दिया, पर कहते हैं ना, खून सात परते खोलकर भी सामने आ ही जाता है। अशोक ने 4 लोगों को बलि चढ़ा दिया अपने रुतबे और रसूख को बचाने के लिए, जबकि वो अपने बेटे अर्जुन और प्रवीण को समझाकर, उन्हें सजा देकर मामला सही कर सकता था। गलत के खिलाफ लड़ने में अशोक अपनी बहन का साथ दे सकता था, पर उसने उसे मारना ज्यादा सही समझा। अशोक ने उसी बहन को मार दिया जिसे वो संतोष से बचा रहा था। किसी को मारना कभी हमारी चॉइस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा कोई और बेहतर रास्ता होता है। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रिलोडेड के एक नए केस के साथ। तब तक मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रिलोडेड। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।